Hello guys, welcome to GYS. My name is Ayush Mithi. इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2020 का इंडियन एक्सप्रेस का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले बात हो रही है नोवल कोरोना वायरस की. इसके बारे में हमने बहुत कुछ पिछले आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं हम, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास नया आपके लिए होगा. अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं पिछली वाली तो आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा. बात करते हैं 1971 का अबॉर्शन लॉ, उसमें अमेंडमेंट आया. 1971 में अबॉर्शन लॉ था जिसका अब अमेंडमेंट आया. तो और क्यों ये ज़रूरी था, नेसेसरी क्यों था? देखो बात ये कि ये था 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. इसमें क्या था कि किसी को भी अगर अबॉर्शन कराना होता था महिला को, और वो केवल मैरिड महिला के लिए होता था, तो 20 वीक से पहले पहले उनको अबॉर्शन कराना था. जब उनकी जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती थी तो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के अंदर अंदर उनको अबॉर्शन कराना हो जाता था. उसके बाद वो इलीगल होता था. स्वास्थ्य जो मंत्रालय है हेल्थ मिनिस्ट्री के फोर्स के द्वारा, इसमें एक चेंज आया है और अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए हैं जिसमें ना केवल मैरिड बल्कि अनमैरिड वुमन के लिए 20 से 24 वीक्स का समय कर दिया गया. यानी अब 24 वीक्स तक जो है अबॉर्शन आप करवा सकते हो, और ना केवल मैरिड बल्कि अनमैरिड. अब अनमैरिड वुमेन के लिए ऐसा किया गया, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा देश की महिलाओं के लिए. ये हम देखेंगे क्यों. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 कहता है कि 20 से पहले क्या था कि 20 वीक था, अब 24 वीक कर दिया है. 24 वीक तक जो है अबॉर्शन करा सकते हो. हालांकि इसमें जो है दो डॉक्टर की परमिशन आपको चाहिए, दो डॉक्टर के ओपिनियन आपको लेने पड़ेंगे. अगर 20 वीक्स तक आप करवाना चाहते हो तब तो एक होता था, और अब 24 वीक तक करवाना चाहते हो तब दो आपको लेने पड़ेंगे. ये कंडीशन. लेकिन अगर आप फिर भी देखें अब डॉक्टर के ओपिनियन क्यों कि भाई ये जो प्रेगनेंसी करवाने, ये जो अबॉर्शन करवाने जा रही है महिला, क्या ये इनके लिए और इनके बच्चे के लिए, इनके लिए सुरक्षित है? ठीक है, क्योंकि ये जो माँ है उनकी डेथ भी हो सकती है, हो सकता है कि उनको कुछ और बड़ा खतरा आ जाए. तो जो वल्नरेबल वुमेन होती है, जैसे कि जो रेप की सर्वाइवर्स होती है, और जिस जो वल्नरेबल वुमेन होती है, डिफरेंटली एबल्ड हो, माइनर्स हो, अपाहिज जो महिला होती है, उनको इससे काफ़ी राहत मिलेगी. क्योंकि अगर उनके साथ अगर वो अगर अपनी अनइंटेंशनल अगर उनकी प्रेगनेंसी हुई है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है 24 वीक के अंदर. होता क्या था कि पता नहीं चलता था, अब जो है 24 वीक के अंदर प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करवाया जा सकता है. और अगर सब्सटेंशियल फोइटल अगर एबनॉर्मलिटीज़ हो, अगर मेडिकल बॉडी देखता है कि इसको अबॉर्शन नहीं किया जा सकता और काफ़ी ख़तरनाक काम होगा, तो यहाँ पे मेडिकल बोर्ड जो है उसको रोक सकता है, और वो जो है सारे केस के एस्पेक्ट यहाँ पे उसको एग्जामिन करने होंगे. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 आया है. इसने महिलाओं को एक्सेस दे दिया सेफ लीगल अबॉर्शन सर्विसेज के लिए, और काफ़ी अच्छे सोशल ग्राउंड्स पे से दिया गया, इंसानियत के नाते ये छूट दी गई. और एक कदम है हमारा सेफ्टी और वुमेन की वेलबींग की तरफ. काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं जो इनसे फ़ायदा होगा. रिसेंटली आपने देखा होगा कोर्ट्स में पिटिशंस गई कि जो अबॉर्शन के लिए जो पिटिशंस गई कि जितना अभी 20 वीक का समय है वो काफ़ी कम है. तो वुमेन के साथ सेक्सुअल वॉयलेंस भी होती है, और मतलब आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती. तो जो प्रेगनेंसीज जो आ जाती हैं अनइंटेंशनल, उनको किसी तरीके से महिलाएं जो हैं उनको आज़ाद हो जाएं कि वे अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले सकती हैं कि वो अबॉर्शन करवा सकते हैं. इससे वुमेन की डिजिनिटी, ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वुमेन को न्याय मिलेगा. ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था बिल का, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेलर भी इंक्लूड था कि भाई, और वो सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए ही था. लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय को लगा कि जो मैरिड अनमैरिड वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ फेस करती हैं इस संदर्भ में, तो अनमैरिड वुमेन को पहले छोड़ दिया गया था. हालांकि अब अनमैरिड वुमेन को जो है यहाँ पे ऐड कर लिया गया. अनमैरिड वुमेन भी इसमें आती है, प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना. और ये रिकमेंडेशन जो गई थी ये 2016 में गई थी मंत्रालय के पास कि यहाँ पे अनमैरिड वुमेन के लिए भी न्याय करना चाहिए, और इसको एक्सेप्ट कर लिया. ये केस निकल अभी ये देखो 1971 से अब क्यों हो रहा है अमेंडमेंट, इतने सालों में सरकार कहाँ थी.
देखो 2008 में ये केस निकल के आया था हर्ष और निकिता मेहता का, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि उनका जो 26 वीक ओल्ड फोइटस है उसको अबोर्ट कर देंगे, वो उनको अबोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसके हार्ट में कोई डिफेक्ट है। हालांकि जो है नहीं हो पाया और कुछ डिफेक्ट जो हैं वो रिवील हुए 20 वीक्स के बाद ही। तो 20 वीक था, 20 वीक से पहले करा सकते थे और डिफेक्ट जो है वो 20 वीक के बाद निकले फोटस में, तो फिर जो अबॉर्शन कराने गए तो अबॉर्शन जो है नहीं हो पाया। तो फिर अब जो है फिर जब से ये सवाल उठ रहा है इस चीज़ पे कि आखिर 20 वीक की लिमिट ज़रूरी क्यों है, और फिर जो है अब जाके यहाँ पे निकल के आया है कई केसेस तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। तो अब जो है यहाँ पे कानून निकल के, सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी बना सकता है, कानून तो सरकार बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है। तो सरकार ने यहाँ पे कानून लाके काफ़ी अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट ने पुश किया है। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह है जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है, जो कॉन्डम वगैरह का यूज़ जो हमारे देश में होता है वो काफ़ी कम है। मतलब हमारे देश में जो है सेक्स को लेकर काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, लोग हिचकिचाते हैं बात करने से। और आप देखोगे कि जो 50% जो प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े राज्य असम बिहार गुजरात मध्य प्रदेश तमिलनाडु उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल्स हैं, जो ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनकी जो इन स्टेट्स में आप देखोगे कि जो प्रेगनेंसी है 50% अनइंटेंटेड, यानी इसमें जो है ज़बरदस्ती अनइंटेंशनल तरीके से सेक्स किया गया था और जो प्रेगनेंसी आई महिला की वो काफ़ी अनइंटेंशनल है, यानी महिला की इसमें डिसीजन मेकिंग शामिल नहीं थी, या तो महिला के साथ जो जबरदस्ती की गई या फिर उसका जो है यहाँ पे उसको पता नहीं था कि उनका बच्चा हो जाएगा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया। डाटा जो निकल के आया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्स से, ये दिखाता है कि केवल देश में 47.8% कपल्स ऐसे हैं जो कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं, आधे, और 50% जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब 53% टोटल यूज करते हैं मेथड, उनमें से भी 47 मॉडर्न यूज करते हैं, बाकी पुराने यूज करते हैं। और स्टेट्स के लिए आप देख सकते हैं, तो ज़रूरी है कि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाए ताकि अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी ना हो और फिर अबॉर्शन की समस्या ना आए। और वैसे भी देखो अगर अबॉर्शन की समस्या आती है तो उसके लिए हमारे पास चीप और सेफ अबॉर्शन सर्विस होनी चाहिए, ये वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर है रोबस्ट हेल्थ सिस्टम का, ज़रूरी है, ठीक है। और हमारे देश में अगर आप डाटा अगर पूरा मिला मिलू के देखें तो 1000 वुमेन में से 47 जो हैं वो अबॉर्शन करवाती हैं, जो 15 से 49 तक इनकी उम्र होती है। अच्छा, ब्रेग्जिट की बात हो रही है, ब्रेग्जिट जो है होने जा रहा है और इसकी जो आप देखोगे ये ट्रांजिशन पीरियड अब आया है, यानी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब 11 मंथ का ट्रांजिशन पीरियड है, यानी ब्रेग्जिट शुरुआत हो चुका है, पूरी प्रोसेस होने में इसको 11 महीने लगेंगे। ये प्रोसेस जो है 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म होएगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इसके क्या इफेक्ट होंगे। देखो सबसे पहली बात तो ब्रेग्जिट अगर हो गया पूरा 11 महीने तक, अब अभी जो 11 महीने में होगा क्या कि 11 महीने के अंदर यूके के जो 73 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है, भाई यूरोप यूनियन की एक अपनी पार्लियामेंट है ना, संसद है, तो उसमें जो देश शामिल है 28 कंट्री जो शामिल है उनके मेंबर्स हों उस पार्लियामेंट में, कॉमन पार्लियामेंट में रहते हैं, तो यूके बाहर निकल रहा है तो यूके के पार्लियामेंट्स भी बाहर निकलेंगे और फिर जो है सीट्स ऑटोमेटिकली लूज़ कर देंगे। ब्रिटिश जो मिनिस्टर्स होंगे वो यू की मीटिंग रेगुलरली अटेंड नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ऑटोमेटिक अटेंडी नहीं माना जाएगा, हाँ स्पेशल इन्विटेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। और 11 महीने का जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा इसमें यू के रूल्स जो हैं वो फॉलो करता रहेगा, यूके यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं, यूरोपियन यूनियन के बजट आता है उसमें भी यूके को पैसा देना पड़ेगा 11 महीने तक। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है ईयू की मेंबर कंट्री से तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही न्याय उस पर लागू होगा। अब नए नए ट्रेड इक्वेशन करने पड़ेंगे क्योंकि देखो यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है, तो यूके और ब्रिटेन एक ही है, ध्यान रखना यूके ब्रिटेन एक ही कंट्री है। हालांकि जो यूके और ब्रिटेन में हल्का सा मैप का फर्क है जो मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ब्रिटेन और यूके एक ही बात है, वो एक दो कंट्री का फ़र्क आ जाता है उसमें, एक दो रीजन का फ़र्क आ जाता है। तो ब्रिटेन जो है अब नई ट्रेड रिलेशनशिप यहाँ पे बनाता रहेगा और कंट्रीज़ के साथ, अभी ये ईयू में था तो ये अलग से कंट्री के साथ जाके डील नहीं कर सकता था, अब ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है तो इसको और कंट्रीज़ के साथ जाके अलग से डील करनी पड़ेगी, जो कि पॉजिटिव तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन अब इंडिया के साथ, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कर सकता है।
और यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेज इसको मिली हुई थी EU के मेंबर होने के नाते, वो प्रिविलेजेज इसको छोड़नी पड़ेगी। ट्रैवल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहेगा, बजट जब तक ट्रांजिशन पीरियड है तब तक जो फंड है वो देना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। येलो रस्ट की बात हो रही है, देखो येलो रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। येलो रस्ट एक तरह की डिसीज़ है जो कि गेहूं में होती है, और बेसिकली ये येलो जो रस्ट है ये डिसीज़ ये वीट क्रॉप्स में पाई गई पंजाब और हरियाणा में। येलो जो रस्ट डिसीज़ है वो पाउडर के तौर पे नज़र आती है, जैसे जो पेड़ की पत्ते जो फसलों की जो पत्तियां होती हैं उन पे जम जाता है एक पाउडर येलो कलर का, जो आप टच करोगे या फिर उनको अगर टच करके देखोगे तो अब येलो येलो दिखेगा, पाउडर सा दिखेगा। ये जो डिसीज़ है इसकी रैपिडली चेकिंग हो रही है और ये क्रॉप की डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से इफेक्ट करती है। डिसीज़ जो है ये क्रॉप की यील्ड को 5 से 3% तक इफेक्ट कर सकती है, प्रोडक्शन गिरा सकती है। और जो ये रस्ट होती है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को जो है मतलब ड्रेन करके लीव कर देती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है फसलों को। और आप देखोगे कि अभी जो मौसम जो हमारा मानसून जो हमारा है जो कूल वेदर का मानसून है वो काफ़ी फेवरेबल है इस डिसीज़ के प्रति, क्योंकि ये डिसीज़ जो है रेन और ड्यू और जो फोग है उस डिसीज़ इस डिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। अच्छा, प्रिलिम्स के ऑब्जेक्टिव से आप ये याद रखना कि एक वीट की नई वेराइटी आई है पिछले साल HD3226, जिसको पूसा यशस्वी भी कहते हैं, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि HD3226 और पूसा यशस्वी जो है वो कौन सी किस फसल की वेराइटी है, तो आप बोलोगे वीट की। इसको रिलीज किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि अभी ये जो वीट की वैरायटी है ये जो बीमारियां हैं रस्ट फंगी वाली अलग अलग बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, रेसिस्टेंस है इसमें, तो वीट ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी है। तो अब जो है हालांकि ये वीट की वैरायटी हर किसान तो यूज में ले नहीं रहा, तो एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर किसानों को येलो रस्ट दिखाई दे तो फंगीसाइड जो है उनको स्प्रे करना चाहिए। स्टेट फंडेड हेल्थ केयर इज ऑन नोटिस, बात हो रही है कि स्टेट फंडेड जो हेल्थ केयर है उसको प्राइवेटाइज करने की बात कहाँ से हुई। नीति आयोग ने क्या किया, देखो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट निकाली और नीति आयोग अभी बात कर रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से प्राइवेटाइज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लाई जाए ताकि उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाए, और ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको टीचिंग हॉस्पिटल्स के तौर पे भी सर्वे किया जाए, मतलब ये लोगों का इलाज भी करेंगे और डॉक्टरी की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मतलब लोगों को यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के रूप में भी ये काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। नीति आयोग ऐसा क्यों करना चाहता है, नीति आयोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है और साथ ही साथ डॉक्टर की शॉर्टेज पूरी करना चाहता है। इस मॉडल के अंदर जो कंपनियां होंगी प्राइवेट वो अपनी मर्जी से कॉलेज को डिजाइन कर सकती है, बिल्ड कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, लेकिन राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएगी क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक एग्जामिनेशन अगर आप करोगे इस प्लान का तो स्टेट फंडेड जो हेल्थ सिस्टम है, भाई हमारी हेल्थ सिस्टम में पैसा कौन देता है सबसे ज़्यादा, सरकार। सरकार द्वारा जो फंडेड हेल्थ सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि अगर इस तरीके से हम थ्री टायर हेल्थ सिस्टम है हमारा, ठीक है, थ्री टायर हेल्थ सिस्टम है हमारा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी जो केयर होती है आपकी वो खांसी जुकाम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाली है, टर्शरी सेकेंडरी जो होती है आपकी वो वाली होती है जिस पे आप हाईली थोड़ा सा स्पेशलाइज हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ जाते हो। टर्शरी हो गया आपका बहुत महंगे महंगे जो इलाज होते हैं, बहुत काफ़ी टर्शरी केयर जो होती है काफ़ी ज़रूरी जो काफ़ी एक्सपेंसिव जो इलाज होता है वो टर्शरी केयर में आ जाता है। तो ये जो तीन टायर वाली जो हो गई जिसमें जो सेकेंडरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पर एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये अपनी मर्जी से जो प्राइवेट कंपनियाँ फीस लेनी शुरू कर देंगी, और आज तक ये देखा नहीं गया। देखो मैं आपको ये ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने भी ये कहा कि हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि होल हेल्थ सिस्टम को प्राइवेटाइज करना। हर लोग तो महंगे इलाज करवाने नहीं जाते, हर आदमी जो है टर्शरी केयर की तरफ नहीं भागता, हर आदमी तो एम्स में नहीं जाता, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिस्टम है जो देश में काम आते हैं, जो बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को अगर आप लीच पे डाल दोगे
तो यहाँ पे अब देखो ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं मलेरिया टर्बिकुलिसिस ट्यूबरकुलिसिस कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है उनको काफ़ी रोकने में मदद करते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली सर्वेयर फैमिली वेलफेयर ने कई बार कहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइज करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम की बैकबोन है उसको चोट लगेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री अलग कहती है, नीति आयोग अलग कहती है, नीति आयोग कहती है कि प्राइवेटाइज कर देंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है काफ़ी यहाँ पे कहती है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम ज़रूरी है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करो, ताकत लाओ, मेडिकल और पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, लेकिन प्राइवेटाइज करना सही नहीं है। लेकिन नीति आयोग इस सबको नेगलेक्ट कर देता है। नीति आयोग जो है वो एनपीपी मॉडल को चूज़ करने की कोशिश करता है, और ये पीपीपी का जो एक्सपीरियंस पिछले कुछ सालों में हुआ है ये भी ये नहीं देख पा रहा। पीपीपी का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि हमको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट मॉडल में क्या होता है, बेसिकली सरकार ऐसा कहती है कि प्राइवेट कंपनी को कि आप हमारी तरफ से ज़मीन ले लो, आप हमारी तरफ से पूरी बिल्डिंग ले लो, आप हमारी तरफ से टैक्स कंसेशन ले लो, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका इलाज आप फ्री में कर दो। कुछ जो गरीब लोग होते हैं, तो कई बार ये देखा गया है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल सब ढंग से काम नहीं करते, लूप होल निकाल लेते हैं, यानी कि वो जो स्टेट के द्वारा फंडेड जो पेशेंट्स होते हैं जिनको रिजर्व रखा गया है सरकार के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाने में, उनकी कैटेगरी अलग से बना देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और उनका इलाज ढंग से नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग स्टेट के द्वारा नहीं आए हैं, यानी कि जो लोग खुद पैसा दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आके, जो अमीर लोग हैं उनकी ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखने की कोशिश करते हैं बजाय कि गरीब लोगों की, क्योंकि गरीब लोगों को तो सरकार का समर्थन मिला हुआ है, सरकार के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि सरकार कह रही थी कि गरीब लोगों को तो इलाज आप फ्री में करोगे क्योंकि हमसे ज़मीन ली है, लेकिन देखा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल कैटेगरी बांट देते हैं और उनका सर्विस जो है ढंग से नहीं देते। तो यहाँ पे एक सिस्टम को हम अगर इस तरीके से प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि आप देखो कि हमारे देश में प्राइवेट एक्सपेंडिचर अगर हम देखें टोटल एक्सपेंडिचर पे तो 70% है, जबकि थाईलैंड में 22% है और चाइना में 44% है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर पर हमारा पहले इतना ज़्यादा है, और ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा स्टेट के द्वारा कंट्रोल रहनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें स्टेट की पूरी फंडिंग होनी चाहिए, प्राइवेट नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। हालांकि स्टेट को पूरी तरीके से इसमें सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे चैलेंज क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रस्ट नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं आते, डॉक्टरों की शिकायतें नहीं कर पाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेड नहीं है, कई सारे मरीजों को एक कमरे में बंद किया हुआ है और बेड नहीं है, कोई ज़मीन पे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, बीमारियों का स्प्रेड इससे ज़्यादा होता है, लैक ऑफ सैनिटेशन है, और इसलिए लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते, घर पर इलाज करना पसंद करते हैं, जिससे बीमारियाँ और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ क्योंकि कोई सबूत नहीं है ना कि प्राइवेटाइजेशन हम किस तरीके से हेल्प की है। कभी चाइना में क्या है, चाइना में इन लोगों ने कभी प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं की। चाइना में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 44% है हेल्थ केयर में। बाकी जो सिस्टम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने छोटे छोटे जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर्स है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनको गांवों में लगा दिया। जहाँ जहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों की जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ छोटे छोटे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लगा दिया, खांसी जुकाम जैसी बीमारियाँ तो ये प्रैक्टिशनर्स ठीक कर सके, इसके लिए केवल प्रैक्टिशनर्स लगाए छोटे छोटे, तो इससे डेफिसिट भी कम हो गया, डॉक्टरों की शॉर्टेज कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और महंगा इलाज भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं बड़े बड़े वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो चाइना के जैसा हमको काम करना चाहिए, और सोल्यूशन हमारा जैसे ये होगा कि आप स्टेट फंडिंग सिस्टम को क्वालिटी को इम्प्रूव करो, रिस्पॉन्सिव बढ़ाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाओ, ट्रांसपेरेंट बनाओ, और प्राइवेट जो हेल्थ सिस्टम है वो भी ज़रूरी है देश में। देखो आज के टाइम पे देश में प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मजबूरी है हमारी कि जो सरकार की तरफ से जो हॉस्पिटल्स और ढंग से काम नहीं कर रहे, सरकार के पास इतनी सर्विसेज नहीं होती, सरकारी जो डॉक्टर होते हैं वो इतनी सर्विसेज नहीं दे पाते इतनी बेहतरीन तरीके से जितनी प्राइवेट हेल्थ सिस्टम दे देते हैं। और जिन लोगों के पास पैसा है वो क्यों ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, उनका हक बनता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और इलाज करवाएं, लेकिन गरीबों का क्या। तो एक मजबूरी है कि प्राइवेट हेल्थ सिस्टम भी ज़रूरी है, लेकिन इस मजबूरी को देखते हुए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए और इसको स्टेट फंडेड सिस्टम के साथ मिलाना चाहिए कि स्टेट में जो कमी पूरी नहीं हो रही वो प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे कर दे। दिल्ली सरकार का एक मैं आपको बता देता हूँ मॉडल है जिसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि अगर कोई इलाज उनके सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा तो वो पर्ची लिखा के डॉक्टर के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में देश उस राज्य दिल्ली की किसी भी हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट किसी भी प्राइवेट बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं उस पर्ची के दम पे, सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर की पर्ची के दम पे। ये मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत से काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि
आयुष्मान भारत में भी कई खामियां हैं। हालांकि आयुष्मान भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मॉडल पर एक बार ध्यान देना चाहिए। तो स्टेट फंडेड सिस्टम को प्राइवेट हेल्थ सिस्टम की तरफ जो है बिल्कुल मिलके काम करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरे के एडवर्सरी नहीं बनना चाहिए। नीति आयोग का जो प्रपोजल है गलत है प्राइवेटाइजेशन वाला, और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी और 2017 के अगेंस्ट जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट जाता है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें बात हो रही है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखो पीसा एक प्रोग्राम था 2009 में, उससे हम बाहर निकल गए थे। मुझे इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है। इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होता था, कंपटीशन होता था दुनिया भर के बच्चों का कि कौन से देश के बच्चे आगे हैं। 2009 में हमने इससे बाहर निकल गए। हम इससे क्यों, हमारे बच्चे बहुत पीछे आए थे, हमारे बच्चे इस कॉम्पिटिशन में आगे नहीं निकल पाए थे, काफ़ी बुरी रैंक आई थी हमारी। तो इंडिया ने अपने बच्चों को वापस बुला लिया था, उसके बाद से आज का टाइम में हम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हालांकि 2020-21 मुझे याद नहीं कब हम पार्टिसिपेट करने की वापस सोच रखे हैं, क्योंकि एजुकेशन में हमने बदलाव लाने की कोशिश की है। पीसा से हम बाहर निकल गए, वो मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह कि हमारे बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे देश में बच्चों का एडमिशन तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 100% इनरोलमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उनकी एजुकेशन कैसी चल रही है। आज हमारे देश में क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हैं उनमें केवल 44% बच्चे हैं जो अपनी दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकते हैं, और एक दशक पहले ये 53% था। यानी एक दशक पहले आधे बच्चे पढ़ सकते थे, अब केवल 44% बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो एजुकेशन इम्प्रूव होने की बजाय डिग्रेड हो रहा है। एजुकेशन को जहाँ इम्प्रूव होना चाहिए, पैसा जहाँ, आज निर्मला जी सीतारमन ने जो बजट में पैसा अनाउंस किया एजुकेशन के लिए 99,000 करोड़ के करीब, वो काफ़ी सही था। लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो अभी भी ये पैसा सफिशिएंट नहीं है। और पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है कि सुधार अपने आप आ जाएगा। ये बात आपने भी सुनी होगी कि ऊपर से जब 1 रुपया आता है तो केवल खर्च होते होते इस आदमी के पास, बेनिफिशियरी के पास 14 पैसे आते हैं, 14% पैसे ही जो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो पैसा जो लगाया उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, करप्शन नहीं हो, तो स्कूलों की पिक्चर बदल सकती है। तो अगर आप देखोगे कि आज सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में, वो साफ साफ नज़र आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो बहुत पूरी तरीके से पिछड़ गए। और जिनकी मम्मी पापा पढ़े लिखे होते हैं वो तो बहुत आगे निकल गए बच्चे। तो डाटा है पूरा, ये डाटा निकल के आया है ASER, जिसको कहते हैं, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही इसकी, असेसमेंट कुछ ऐसे ही था, एक NGO के द्वारा निकलती है। हालांकि 2011 का इसमें सेंसस लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आपको ये सोचना चाहिए मेंस में कि आखिर हम गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्चों की एजुकेशन है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम जो टीचर की जो प्रेजेंस है वो करवा सकते हैं कि टीचर जो है वो स्कूल में आए, रेगुलर आए और बच्चों को पढ़ाए। लेकिन कैसे, इसके लिए हम जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकते हैं। टीचरों के जो रूम्स हैं, टीचर्स जहाँ पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, उनको सुधार सकते हैं। और बच्चे भी आए, बच्चों का भी प्रेजेंट जरूरी है, बच्चे भी नहीं आते सरकारी स्कूलों में, तो उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, सैनिटेशन जो है फैसिलिटीज़ करवा सकते हैं। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाओ, फेस्टिवल मनाओ, हर तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी आयोजन करवाओ, सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ करवाओ, कल्चरल एक्टिविटी करवाओ, टीचर भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। तीसरी बात, मैंने देखा है कि स्कूलों में पीने का पानी ख़राब है, मतलब कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, टॉयलेट ख़राब है स्कूलों में, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो टीचर कितना ही पढ़ा ले, बच्चे नहीं पढ़ पाएगा। तो हेल्थ सिस्टम को, मतलब जो सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता भी रहनी चाहिए, सॉरी सरकारी स्कूलों में, वो अस्पतालों वाला आर्टिकल पढ़ाने इसलिए मुझे बार बार याद आ रहा है, स्कूलों में स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, जो पेरेंट्स को बुला के बताना चाहिए कि उनके बच्चे कितना परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई किसी के मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो स्पेशल उनका ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी कुछ है हम कर सकते हैं, और कोशिश ये करना चाहिए कि टीचर जो है समय पर आएँ, बच्चे भी आएँ, और दोनों का जो है यहाँ पर मनोरंजन, दोनों का यहाँ पर इंगेजमेंट हो। गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।